चलो अब हम लोग समझते हैं, ठीक। देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, स्क्वायर, इसके बाद जिंदगी में कभी भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट में दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी कभी भी पूछा स्क्वायर रूट फोर की वैल्यू, यहाँ पे फोर, यहाँ पे नहीं कुछ है तो टू है, तो इसको स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, तो इस समय दिक्कत नहीं होना चाहिए। चैप्टर फिनिश होगा बोला तो आप लोग को फेयर चेक होगा, प्लस क्वेश्चन पूछेंगे जितना भी मीनिंग लिखा है सारे का, है ना। इसको फिनिश करने के बाद बीच में पूछने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए फेयर प्लस दिमाग में कंप्लीट कर लीजिएगा, समझा। संकल्प बाबू, संकल्प शैतान करने बैठे ले जी, कहाँ हो संकल्प, यहाँ पे। हाँ बाबू चलो ठीक है, मिल गया। नेक्स्ट, तो आगे क्या बाबू, कल आपको हम लोग क्या पढ़ाए थे, ये शर्ट का पढ़ाए थे कंपेरिजन, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, कैसे पहचानो कि दिया गया शर्ट छोटा या बड़ा है, या घटते का डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। अगला जो आपका बाबू, अगला जो है, वीडियो ऑन करो, अगला जो टॉपिक है बाबू, टाइप्स ऑफ शर्ट्स है ना, टाइप्स ऑफ शर्ट्स है, तो आसान सा है, कुछ नहीं है। पहला जो बाबू क्या है, प्योर शर्ट्स है, मिक्स शर्ट्स है, सिंपल शर्ट्स है, इसी को मोनोमियल शर्ट्स कहेंगे, कंपाउंड शर्ट्स है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, कंजुगेट शर्ट्स है, सिमिलर शर्ट्स है और डिसिमिलर शर्ट्स है ना। तो हमको यही दोनों से काम है, आपको ज्यादातर बाबू हमको ये तीनों से काम है, एक गो दो गो तीन गो से काम है। जब शर्ट्स को बाबू जैसे अलजेब्रा में पढ़े थे ना, लाइक टर्म अनलाइक टर्म, तो अलजेब्रा में किसको ऐड करते थे, लाइक ले मान लो आपको पढ़ाया था वो एक्स अब प्लस एक्स, तो एक्स एक्स प्लस कितना एक्स, टू एक्स, तो ये लाइक टर्म है तो ऐड करते थे। तो उसी तरह से शर्ट्स भी क्या होता है, लाइक शर्ट्स होता है और अनलाइक शर्ट्स होता है। तो जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे ना, तो लाइक शर्ट या लाइक शर्ट के बीच को ही जोड़ेंगे, अगर लाइक शर्ट रहेगा तभी दो शर्ट को जोड़ेंगे, अगर लाइक शर्ट नहीं रहेगा तो दो शर्ट को नहीं जोड़ेंगे। तो लाइक शर्ट क्या होता है सर, आगे बताएंगे, है ना, आगे बताएंगे। ये तीन को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को यूज करेंगे हम लोग, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। वीडियो ऑन करो ना बाबू, ठीक। तो देखो पहला आपका क्या बाबू, प्योर शर्ट्स। प्योर शर्ट्स क्या होता है बाबू, वैसा शर्ट्स बाबू जिसमें बाबू रेडिकल साइन के बाहर कोई नंबर नहीं रहे, जैसे रेडिकल साइन के बाहर अगर कोई नंबर नहीं है तो वैसे शर्ट्स को क्या कहेंगे, प्योर शर्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, प्योर शर्ट्स। कहने का मतलब क्या बाबू, कोई भी एगो शर्ट्स ले लो, जैसे क्या आसान सा, ये डिफिनेशन नहीं भी समझ में आता तो कोई टेंशन की बात नहीं, छोड़ दो डिफिनेशन, है ना, कोई दिक्कत क्यों नहीं, भावना समझो, है ना, मीनिंग समझो, कंसेप्ट सीखो। कोई शर्ट्स ले लो, जैसे 10 ले लिया, तो यहाँ पे इसके रेडिकल साइन के बाद यहाँ कोई नंबर नहीं ना, मैंने कोफिशियंट में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ नहीं, तो इसको हम लोग कहेंगे प्योर शर्ट्स। इसको क्या कहेंगे, प्योर शर्ट्स, है ना। अगर यहाँ पे कोई नंबर लिख दोगे, यहाँ पे मान लो बाबू, यहाँ पे तो कुछ हो सकता है, ऑर्डर तो शर्ट का कुछ हो सकता है, ऑर्डर से मतलब नहीं है, यहाँ पे जो पोजीशन होता है कोफिशियंट पे, है ना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे शर्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, प्योर शर्ट्स कहेंगे। आसान है कि नहीं, है ना, कुछ था जी, खाली डर लग रहा था, डर डरना नहीं है, कहीं भी बाबू इस तरह से लिख दे सर, ये प्योर है कि इम्प्योर है, जैसे मान लो 27 है, तो प्योर शर्ट से कि इम्प्योर शर्ट से, तो हम लोग देखेंगे चम्मच के बगल में यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ होने ना है, तो ये मेरा कैसा शर्ट्स हो जाएगा, प्योर शर्ट्स हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्योर शर्ट्स हो जाएगा। और यहीं पे बाबू अगर 7 लिख दो, 8 लिख दो कोफिशियंट में, तो मेरा शर्ट्स कैसा बन जाता है, मिक्स शर्ट्स बन जाता है ना, मिक्स शर्ट्स बन जाता है ना। आगे बाबू, प्योर शर्ट इम्प्योर शर्ट मिक्स शर्ट किसको कहेंगे, मिक्स का मतलब क्या होता है, अगस्त्य वीडियो ऑन करो जी, शैतान है, ठीक। अगस्त्य ऑन करेगा कि रिमूव करे बाबू, सर आपकी आवाज रुक रुक कर अगस्त्या ऑन कीजिएगा कि रिमूव करें इधर से, बोली लक्ष्मी बाबू कैमरा डाउन कीजिए। रही है। अरे गलत नेक्स्ट बात बाबू, है। ठीक है अपनी जगह, रुक रुक के ब्लूटूथ हटा दिया, है ना। तो प्योर शर्ट हम लोग कैसे पहचानेंगे सर, तो जिस शर्ट से मैं बाबू बाहर में, शर्ट के बाहर में अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर शर्ट्स कहेंगे। जिस शर्ट के बाहर में बाबू कोई नंबर नहीं लिखा है, जैसे स्क्वायर रूट कितना है, 7 है, यहाँ पे नहीं कुछ नंबर लिखा है, तो इसको कहेंगे प्योर शर्ट्स। जैसे स्क्वायर रूट कितना हो गया है बाबू, 48 हो गया, ये क्या हो गया, प्योर शर्ट्स हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे 6 दे दो, यहाँ पे 3 दे दो, तो ये भी क्या है सर, प्योर शर्ट्स है। ऑर्डर हो सकता है लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं रहना चाहिए इसके बगल में, तो ऐसे शर्ट्स को क्या कहेंगे, प्योर शर्ट्स कहेंगे। तो उसी चीज को इंग्लिश में लिखा है, जिसको आपको नहीं समझना तो छोड़ दो, नहीं समझना खाली आप ये कंसेप्ट से, प्योर शर्ट्स किसको कहेंगे, जिसके बगल में, जिसके कोफिशियंट में कुछ नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा, वैसे शर्ट्स को क्या कहेंगे, प्योर शर्ट्स कहेंगे। मन से पढ़ना संकल्प से था। मिक्स शर्ट्स किसको कहेंगे सर, यहाँ पे कुछ लिख दो, जो भी मन है आपको, 9 6 7 जो भी लिखने का मन है लिख दो, तो यहाँ पे अगर कुछ नंबर लिख देते बाबू, तो ऐसे शर्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स शर्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मिक्स शर्ट्स कहेंगे ना।
ठीक है ना, तो प्योर सेट्स और मिक्स सेट्स कुछ नहीं होता है ना, बेसिक सा डिफरेंस है ना। जैसे ये 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 3√2, तो ये 3√2 3 मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये कैसा सेट्स हो गया, मिक्स सेट्स हो गया। अब बिना 3 प्योर सेट्स, बिना 3 प्योर सेट्स, विथ 3 मिक्स सेट्स, साथ के साथ मिक्स सेट और साथ हटा दोगे तो प्योर सेट्स। कितना आसान है, लिख दिया यहाँ पे कुछ और नंबर तो मिक्स सेट, नहीं लिखा कुछ हो तो प्योर सेट, लिख दिया कुछ हो तो मिक्स सेट है ना, कुछ हो लिख दो तो मिक्स सेट, और नहीं कुछ हो यहाँ लिखा लेते प्योर सेट। बताओ एरो से आसान कुछ हो है जी, इसी से भी आसान कुछ हो है बाबू, है ना, तो वही लिखा था यहाँ जेब्रा है ना। ए सर्ट्स बाबू इन बीच बाबू होल ऑफ द बाबू रेशनल नंबर बाबू इज अंडर द रेडिकल साइन एंड मेक्स द रेडिकल, है ना, मतलब जितना भी बाहर में नंबर है उस सारे का सारे कहाँ होना चाहिए, रेडिकल साइन के अंदर होना चाहिए, बाहर में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो बाहर में अगर कोई नंबर नहीं है बाबू मयंक शैतान, तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, प्योर सेट्स। ये कैसा हो गया, मिक्स हो गया। अब बाहर में कुछ नंबर अगर लिखल है तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स सेट्स कहेंगे ना, मिक्स सेट्स कहेंगे। ठीक है ना, वो तो यही था आपका, है ना, प्योर सेट समझ में आ गया, मिक्स सेट्स से बाबू मिक्स सेट्स भी समझ में आ गया। वही लिखल है, ए सेट हैविंग वो रेशनल कोफिशिएंट अदर देन यूनिटी, जिसके बगल में क्या हो, रेशनल कोफिशिएंट हो, मतलब जिसमें कोफिशिएंट हो एक को छोड़कर, अदर देन क्या, यूनिटी, यूनिटी मतलब एक को छोड़कर। यहाँ पे अगर कोई रेशनल नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, तो वो सेट्स कैसा हो, सर हमने 11 अच्छा से लेकर 14 तक कितना जल्दी ठीक है, वो सेट कौन सा होगा, मिक्स सेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिक्स बोला सेट्स हो जाएगा। अब आगे आपको बाबू कन्वर्ट करना है बाबू, है ना, कि मिक्स सेट्स को प्योर में कैसे करेंगे, प्योर को मिक्स में कैसे करेंगे ना। तो सिंपल सी बात है, वो तो ऑलरेडी आगे बता चुका है ना, नेक्स्ट सर। बाबू है ना, ये दो बर्ड मीनिंग बाबू, इनग्रोसिंग, इनग्रोसिंग का मतलब क्या होता है बाबू, जैसे कोई मूवी वगैरह आप देखोगे ना तो कहोगे ना कि अब बहुत मनोरंजक मूवी रहा, दिलचस्प जिसको कहते हैं ना, कोई काम करने में आपका क्या हो जाए, इंटरटेनमेंट आ जाए ना, इंटरटेनिंग से, वो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनग्रोसिंग कहते हैं, है ना। जनरली इसको हम लोग मूविंग वर्ड में, मूविंग वगैरह में वर्ड यूज करते हैं ना, बहुत सारे मूवी देखोगे तो बहुत इंटरेस्ट है, देखोगे कार्टून है ना, तो कहते बहुत मनोरंजक है, तो उसी को क्या कहेंगे, इनग्रोसिंग कहेंगे। आगे म्यूटल, म्यूटल मतलब क्या होता है, कोई देखता नहीं बाबू पीछे जाकर ना, एजेड ज्यादा एजेड आदमी बड़बड़ करता रहता है, तो उसी को जो बड़बड़ाना होता है ना, मम्बरिंग होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मटर कहते हैं, क्या कहते हैं, मटर कहते हैं, मटर है ना, खाए वाला मटर नहीं है ना, है ना, जो बड़बड़ाना होता है ना सर वो उसी तो को, हाँ पनीर के साथ अच्छा लगता है, मटर ये ही बाबू है पनीरिंग ना। तो ये आप लोग को पनीर। जबकि जब एज ढल जाएगा ना बाबू, बूढ़ा हो जाओगे ना, तो वहां पे मैं है ना बड़बड़ाते रहोगे, है ना, सर अपने एक बार पोता पोती के साथ, एग्जांपल देके बताइए, फिर है ना, पोता पोती पे बड़बड़ाते बताएगा रहोगे एक बार। ना। नेक्स्ट बाबू, तो हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे, मिक्स सेट्स, क्या अच्छे था से ठीक। मरमर करना। नेक्स्ट बाबू, तो फिर मिक्स अब आप सेट के नीचे, मटर अच्छा करके बोलिए और पढ़ाए। मटर ठीक है, मटर पनीर बहुत पिटेंगे जी। ए नहीं उत्कर्ष सर, शैतान ये वीडियो ऑन करो जी, ए उत्कर्ष उड़ीसा, उत्कर्ष उड़ीसा वीडियो ऑन कीजिए बाबू, सर दिख नहीं रहा है, आगे से हटिए। नेक्स्ट। तो ये प्योर सेट हो गया बाबू, बिना कोफिशियंट के प्योर अरे सेट, ये मानना कि ज्यादा ये विद जल्दी नहीं कोफिशियंट, हट। विथ कोफिशियंट कौन सा सेट्स, मिक्स सेट्स, विथ कोफिशियंट कौन सा सेट्स, मिक्स सेट्स, है ना, मिक्स सेट्स। ठीक है बाबू, इसका एग्जांपल लिखो, इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे बाबू, इसका एग्जांपल लिखिए, तो एग्जांपल वो मिक्स सेट देखना के नीचे, मिक्स सेट के नीचे हम लोग लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, मिक्स सेट के नीचे लिखेंगे, है ना। सर, सर मैंने तो लिख भी लिया, आपने समझाया बात था। सर, जैसे 3√2 है, कैसा है, मिक्स सेट है, बगल में कुछ आ गया, 6 बाबू यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 दे दो, क्या हो जाएगा, मिक्स सेट हो जाएगा। बाय क्या क्या उसका होगा, थोड़ी सा वीडियो ऑन करेगा जी, 5 5 5 हो गया, क्या हो गया, मिक्स सेट हो गया, कुछ हो लिख दो बोला, 10 हाई हो गया, फाइव। 2 हो गया, है ना, बहुत सारे हो सकते बाबू, 4 मन से पढ़ना निखिल, 3 2 ETC, ये क्या हो गया, मिक्स सेट्स हो गया। आगे बाबू आपको कन्वर्ट करना कहेगा, है ना, कहेगा बाबू प्योर सेट्स को बाबू, है ना, या सर मिक्स पहले सेट्स को, उनका सारे सारे का वो तो लिखवा दीजिए डेफिनेशन। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू, ये मिक्स सेट है, इसको प्योर सेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन हो बाबू,
कन्वर्जन ऑफ मिक्स अर्थ इंटू प्योर सॉइल। उल्टा भी सही है। स्क्रीन शेयर करिए। उल्टा पुल्टा अच्छा, पुल्टा छूल मिक्स सेट को बाबू प्योर सेट में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, है ना? कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? सिक्सटी सर, क्वेश्चन थ्री नंबर टू सिक्सटी होगा सर टू सिक्सटी 263। सर, 263, 265, अच्छा 265 नंबर। थ्री अच्छा पता ठीक है, गलती होगा, 263। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे मान लो थ्री है, तो ये कौन सा शर्ट है सर? ये मिक्स शर्ट है, यहाँ पे नहीं कुछ नंबर है सर, टू है तो क्या है? मिक्स शर्ट है। चल, लिखना है कि समझना है? पहले समझना उसके बाद लिखना, अभी लिखना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले समझो उसके बाद हाँ लिखना। पांच छह क्वेश्चन समझो, आसान सा है, कुछ नहीं है। मन से सर, पढ़ा आप संकल्प से उसको कर। समझाएगा सही वाला? अच्छा आपने ठीक तो है, हल्ला मत इतना कीजिए। हाँ सिखाया। समझाया हुआ है बाबू, समझाया, खाली आपको याद दिलाना है ना, याद दिलाना, हल्ला मत कीजिए। नेक्स्ट बाबू, ये कैसन शर्ट है सर? मिक्स शर्ट है, कैसे सर? अरे शैतान, मेरे यहाँ कोफिशिएंट बगल में कुछ हो जाएगा तो कौन सा शर्ट हो जाएगा? मिक्स शर्ट हो जाएगा। अब इसको कैसे बदलना है? प्योर शर्ट में बदलना। क्या बदलना? प्योर में। मन से पढ़ना सुरभि, तो आपको बोले तो बोला, इस तीन को कहाँ लेकर चल जाओ? अंदर। तीन को कहाँ? रेड कलर साइन का अंदर लेकर चल जाओ। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे क्या कर दो? वन ब्लैक। तो मतलब सर कुछ नहीं होता, खाली डराने के लिए बाबू इतना खतरनाक नाम रखा गया। ये ऑलरेडी हम पहले ही आपको बता चुके हैं, यहाँ से कोफिशियंट हटा दोगे तो प्योर शर्ट्स बन जाएगा। तो कोफिशियंट कैसे हटेगा? तो शुरू में बताया था ना, कुछ नहीं करना, ये तीन कहाँ चल जाएगा? अंदर चल जाएगा। तो अंदर जाएगा तो कौन से रूप में जाएगा, है ना? ये पहले से थ्री है, ये शांति समझना, पहले से थ्री है और ये थ्री अंदर जाएगा तो थ्री हो जाएगा, ये थ्री अंदर जाएगा, अंदर जाएगा ना जी, तो थ्री थ्री क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या बताया था, कोई भी बाबू कोफिशिएंट को अंदर लेके जाते हो तो जो रेड रेडिका ऑर्डर होता है उसके सर पे चढ़ा देंगे। यहाँ ऑर्डर टू है तो ये क्या हो गया? टू हो गया, है ना? ठीक, तो यही आपका जो शर्ट बन गया, थ्री मल्टीप्लाई के पावर टू है, तो मल्टीप्लाई थ्री कितना हो जाएगा? ये 27 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? प्योर शर्ट्स हो गया। क्या हो गया सर? प्योर शर्ट्स हो गया, है ना? शांति से समझना, ये आपका क्या हो गया? प्योर शर्ट्स हो गया। इसको यहाँ पे सुंदर नहीं लग रहा, ये आपका क्या सर? मिक्स शर्ट्स है। क्या है? मिक्स शर्ट्स है। नहीं समझ में आया, शांति से सुनिए, समझ में आ जाएगा। जैसे क्या करना चाह रहे हैं, 264 नंबर लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी वीडियो ऑन करो जी। ठीक, नेक्स्ट बाबू, कहाँ चला जी? उत्कर्ष उड़ीसा, सब शैतान है वो, कौन गया जी? जैसे क्या सर, जिसको नहीं समझ में आया आगे समझो। जैसे बाबू कितना, बाबू मान लो टू है, यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे कितना बोले फोर है, दो तीन चार, है ना? तो ये कैसा चार्ट है सर? कोफिशिएंट है चार, पांच चार है सर, तो ये कैसा चार्ट है? प्योर चार्ट। क्या हो गया? प्योर, ये मिक्स चार्ट है, सॉरी बाबू, ये कौन सा चार्ट है? मिक्स चार्ट है। मन सा पढ़ा संकल्प, ये मिक्स है। अब इसको प्योर में बदलना, तो मेरा बच्चा नहीं बदल लेगा, ये तो सूर्य में बताए थे लक्ष्मी बाबू, है ना? सूर्य में बताए थे। प्योर कहने का मतलब क्या होगा? कोफिशिएंट कुछ हो नहीं रहेगा, तो कोफिशिएंट कैसे कुछ हो नहीं रहेगा? अंदर है, जिसको अंदर लेकर चल जाओ, दो को अंदर लेकर चल जाओ, है ना? तो जैसे अंदर लेके जाओगे भोला, हाँ सर, तो फोर हो जाएगा, यहाँ थ्री है, ठीक है ना? तो दो अंदर जाएगा तो अंदर लेके चलो, दो को दो अंदर लेके चले सर, ठीक है बोला, तो दो अंदर जाएगा तो फोर के साथ क्या होगा? 24 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, सूर्य बताए थे। अब यहाँ पावर थ्री है तो यहाँ ऑर्डर भी थ्री चढ़ाना, जितना भी नंबर जाता है उस पर पावर चढ़ा देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप इतना हो छोड़ सकते हो। थ्री का पावर टू का पावर थ्री मतलब दो तीन बार मल्टीप्लाई होगा, 8 × 4 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे थ्री हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 2 × 4 = 32, सर, 32 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? प्योर सर हो गया ना, ये आपका हो गया प्योर सर।
तो मिक्स शर्ट्स को हम लोग इसी तरह से प्योर शर्ट्स करेंगे, है ना। और जो प्योर शर्ट्स रहेगा उसको भी मिक्स में कन्वर्ट कर ले सिखाते। लिखो, दो बच्चा कौन भागा बाबू, एगो सुरभि, सुरभि लिखे तो है ये, सुरभि नहीं जाती है, सुरभि टिक जाती है, वैष्णवी। हाँ लिखिए, आप लिखिए, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगा, जल्दी लिखिए। ये स्वाति क्या करे बाबू, बहुत पिटेंगे स्वाति आपका, अगर आप डाउनग्रेड की ओर जा रहा है, आप सुबह उठाकर पढ़ाएंगे आपको। हाँ सर, जी, सर आज हम मिक्स्ड सर्ड लिखे, वहां पे एस होगा, आप एस लिखना भूल गए सर्ड्स। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। इसमें कौन कौन बच्चा का होमवर्क नहीं आया? आशुतोष आपका होमवर्क नहीं आया बाबू, मयंक बाबू आपका भी नहीं आया, फिर सर तो हम अल्फाबेटिक भेजिए करवाएंगे जी। कल वाले भाई, क्लास का विक्रम आपका भी होमवर्क नहीं आया बाबू, सर कर मेरे मैं एग्जाम तो चल रहा, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। मेरी सर कीजिएगा बाबू। उठा बैठी करवाइए वो विक्रम को। सर अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। रौनक मैं बाबू आपका भी भेजता होमवर्क बहुत दिन से नहीं आ रहा, रौनक आपका भी बाबू हूँ। इसका नहीं। सर अगर वीडियो ऑन करो जी। काव्या तो नहीं है, राजदीप नहीं है, रोशनी का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, क्या कर रही हो स्वाति? यही सब करोगी भोली स्वाति? पढ़ना लिखना नहीं है स्वाति, यही सब करोगी जी? जल्दी लिखिए संकल्प, वो वीडियो ऑन कीजिए संकल्प। नहीं समझा संकल्प? समझा कि नहीं समझा दिए संकल्प? सर पटक ले। यस सर, बगल में कौन है, उसको एक चाट मार के भेज भेजाइए, भेजाइए उसको, गेट लगाए वो, पढ़ने समय कोई डिस्टर्ब नहीं। जल्दी लिखिए, बोर्ड सर बोर्ड ड्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट बाबू, सर 1 मिनट, बस लास्ट लाइन है। सर जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 2 मिनट, मैंने अभी शुरू की। आप लेट से शुरू करोगे तो उसका हम थोड़ी भागे हैं बाबू। कहाँ गए निखिल? सर अब आप ए लिख निखिल बाबू, सकते हैं। सर निखिल। होमवर्क नहीं आया था आपका निखिल बाबू, बहुत पिटेंगे जी, जल्दी लिखिए। हो गया, सर मिटा दीजिए। सर आप लास्ट वाला मत मिट। नेक्स्ट बाबू, कुछ कुछ और बता देते हैं ना, उसके बाद उल्टा प्योर को मिक्स में करिए। क्या मिक्स टू प्योर है? मिक्स है ना, मिक्स है क्या? प्योर में, प्योर से मिक्स में ये कैसे उल्टा वाला तो लाएंगे? हमको हाँ आता ही है, वो तो पहले ही बता दिए थे। सर बता दिए हैं, तो उसी को यहाँ पे थोड़ा सा ये करना है, समझा लास्ट देना वाला है। नेक्स्ट बाबू, एक आपको और एग्जांपल देख लो, जिसको नहीं समझ में आया आ जाएगा आपको। मिक्स शर्ट को कैसे कन्वर्ट, अब लिखना नहीं है, फिर से शांति से सुनना। मिक्स शर्ट को ठंडे कैसे कन्वर्ट करना है प्योर में, कैसे करेंगे मयंक बाबू? कुछ नहीं बाबू, टू नहीं करते। हंड्रेड सिक्सटी फाइव नंबर, जैसे फाइव है, अब मान लो यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे टू है, तो कितने ये कौन सा नंबर शर्ट है सर? मिक्स शर्ट है सर, कैसा है, मतलब बाबू? मिक्स है, पहले कितना के बाद टारगेट म्यूट करो जी, है ना, ठीक, मिक्स शर्ट है ना। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है प्योर में, कैसे करेंगे जी संकल्प से? था कुछ नहीं करेंगे, बाहर में जो पांच है उसको कास कदम पकड़ो और अंदर लेके जाओ रोते हुए, तो इसको अंदर लेके जाना, बस हो गया खत्म। थ्री हो गया, टू हो गया, एकदम कस के पकड़ना अंदर, एकदम चल जाए बाहर, थोड़ा सा भी नहीं रहा, तो पांच अंदर जाएगा कैसे मल्टीप्लाई हो गया, तो ऐसे जाएगा। और ऐसा तो चोटी बंधाएगा कि नहीं बंधाएगा, तो इसका चोटी पर कितना बांधोगे? तीन है ना यहाँ, तो वही तीन का सिंबल देना है ना, हो गया बस। अब इसको क्या कर देना है, ऐसा कल वीडियो ऑन करो जी, सोल्व कर लेना, क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, बस खत्म हो गया। यहाँ तीन है, फाइव के पावर थ्री मतलब पांच, तीन बार मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई टू,
यही 125 भाई है, 2 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। लिखिए उल्टा वाला आप बताते हैं। तो ये ऑलरेडी हम आपको पीछे बता चुके हैं, ऑलरेडी ये कंसेप्ट हम पीछे बता चुके हैं ना, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। सर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। हाँ उसी में बता चुके हैं ना, जल्दी लिखिए। हाँ सर उससे पहले भी बताए थे सर, बाबू, शुरू में सिंप्लीफिकेशन ऑफ सेट्स बताए। वही तो है ये भी सर, हाँ वही चीज और कुछ नहीं। बस नाम दे दिए। नेक्स्ट बाबू। हाँ सर अभी मेरा नहीं हुआ। कहाँ से लोग आ जाते इतना इजी मैथ्स। कन्वर्जन हो बाबू, प्योर से अब यहां से वहां चलो। सर वो तो एकदम अच्छे से आता है। अच्छा कन्वर्जन हो बाबू, प्योर टू मिक्सर, प्योर टू मिक्सर। पापा देखो अंदर काहे संकल्प, काहे वीडियो बंद कर रहा है जी, फिर पिटाई खोज रहा है जी। है ना बाबी। बाबू मम्मी हेलो, नेक्स्ट बाबू, टू सॉरी हंड्रेड सॉरी सर, सिक्सटी बता सिक्स नंबर। जैसे एट दिया है था सर कि अनम्यूट है। इजी ऐसा का वीडियो ऑन करो जी। ये कैसा शर्ट है सर, लिखिए जल्दी से, समझाते हैं। आगे नहीं कुछ है तो क्या है, प्योर शर्ट है, क्या है, प्योर। हाँ ठीक, अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है क्या बात। इम्प्योर मिक्स में। तो आपको बोले थे बाबू यहाँ पे नहीं कुछ है तो टू है, तो आठ को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 2 × 2, 8 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 लिखेंगे, 2 हो गया है ना। ठीक है, अब 2 यहाँ पे जैसे 2 है ना, तो यहाँ 2 के पावर में ही लिखना है, यहाँ 2 है तो यहाँ बाबू 2 के पावर में ही लिखो। तो कितना 2 को लेगो, 2 को लेगो, 2 को 2 को सेलेक्ट करोगे, 2 के पावर 2 और मल्टीप्लाई 2। अरे शैतान, यहाँ पावर 2 है ना, ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पे बाबू 2 सेलेक्ट करो ताकि पावर 2 आ जाए। ऑर्डर पावर सेम हो गया तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बोले थे ऑर्डर पावर सेम होगा तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो 1 2 बाहर निकल गया, 1 बेचारा अंदर रह गया, तो ये कितना हो गया, 2√2 हो गया, तो ये आपका मिक्सर्स हो गया। नहीं समझ में आया, अगला समझाते हैं, लिखो अगला समझाते हैं, लिखिए समझाते फिर। ए संकल्प, का छटपटा राजे संकल्प, नहीं समझ में आता जी संकल्प, ये कमजोर होते ज्यादा दिन में। हाँ सर इसके बस दो क्वेश्चन बाबू और ठीक है, कराएंगे लिखिए ना, अभी बहुत टाइम है। सर, बहुत। दे रहा हूँ मिट्टू, हसो म्यूट करो जी। ने जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो। डांसर 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 लिख लिया संकल्प बाबू। स्वाति फेयर करती हो जी, स्वाति नेक्स्ट। मैं डायरेक्ट फेयर में ही लिख लेती हूँ। बाय सर, मैं जा रही हूँ बाय, क्रिकेट एक मैच दंगा पकड़ देख। के शांति से पढ़िए। नेक्स्ट बाबू, कुछ भी ना ये प्योर हो, बोल जिसको नहीं समझ में एक और समझो, ये प्योर है ना बाबू, बाहर ना कुछ है तो प्योर है, तो कैसे करेंगे सर। नहीं होना ऐसा रहो, अंदर में जो भी नंबर है रहेगा पहले ना उसको उसको तोड़ के क्या लाना, बाहर लाना, टूट। अब को ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा प्योर सेट टूटेगा ही। दे। हाँ म्यूट अच्छा करो जी, किसका भी इसका म्यूट करो। ऐसा जरूरी नहीं है बाबू कि सारा का सारा प्योर सेट्स टूटवे करेगा, मान लो यहाँ पे 7 रहेगा तो
तो थोड़ी टूटेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे प्योर सेट्स बहु आपको मिक्स में ही कन्वर्ट होंगे, ये जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है ना। जैसे यहाँ सेवन है तो कैसे तोड़ोगे, नहीं ना टूटेगा, जितने सेवन के अंदर सेवन रह जाएगा ना, सेवन के अंदर सेवन रह जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है बाबू कि जितने भी प्योर सेट्स हैं वो मिक्स में कन्वर्ट होंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट। लेकिन मिक्स वाला बाबू प्योर में बन जाएगा, मिक्स वाला क्या होगा आपका प्योर बन जाएगा, अंदर ही तो लेके जाना रहता है। जो फैक्टर मिक्स होगा वो वैसे ही नंबर रहेगा नेक्स्ट हो, क्या बोल रहे बाबू? सर, जो फैक्टर भी जो आपने बताया ना कि 7 नहीं होगा फैक्टराइज, तो जो नंबर फैक्टराइज नहीं होगा वो ही नहीं होगा क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में? हाँ मिक्स्ड ये सर्ड्स में। जब फैक्टर नहीं होगा वो प्योर का प्योर ही रह जाएगा। जैसे बाबू 266 नंबर, सेवन इधर नहीं। तो थोड़ा सा फ्रैक्शन का भी जोड़ा लगा, नेक्स्ट, जैसे बाबू क्या बाबू, यहाँ पे थ्री थोड़ा है, सा यहाँ पे मान लो सिक्सटीन है, मिस। तो ये क्या है सर? प्योर सेट से शांति से आप लिखोगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। 5 मिनट सुनो शांति सर, उस समय स्पेस नहीं था इसलिए लिखने हाँ लगे। ठीक प्योर है सेट से अब इसको आपको कैसे करना है, मिक्स में करना, कैसे करना? संकल्प शैतान मिक्स में कहाँ गया? जी। नेक्स्ट बाबू, आपका, ठीक है ना तबीयत हुए? नेक्स्ट बाबू कहाँ गया संकल्प? जी शैतान यहाँ पे बैठा। चलो ठीक है, तो अच्छा एक 16 को हम बार लोग क्या करेंगे, फैक्टर क्या करेंगे। इसका म्यूट है जी। नेक्स्ट, तो 16 को फैक्टर करेंगे कितना टाइम में? 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 होगा। ठीक, करते नेक्स्ट बाबू है ना। तो मतलब 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, शांति से समझना। हैं किसका म्यूट है जी? इशिता इसका म्यूट रखो, बोलिए। नेक्स्ट, सर, मेरा तो 16 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो कैसे होगा सर? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना। अब यहाँ पे बाबू पावर 3 है ना ऑर्डर, तो यहाँ पे कोशिश करो पावर 3 ही आ जाए। 3 है ऑर्डर बाबू, तो पावर कोशिश करो 3 ही आ जाए, है ना। फिर है तो 3 पावर कैसे आएगा, 3 वो 2 लेगा, है ना। जो 2 है बाबू उसको 3 ही को सेलेक्ट करेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 आएगा, बेचारा 2 बच जाएगा। आपको बाबू जो ऑर्डर रहेगा उसी को पावर में लाना। क्यों सर? क्योंकि ऑर्डर पावर सेम होता है तो बाहर निकल जाता, तो ये ऑर्डर 3 पावर 3, ये 2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और ये अंदर 2 बचा, बेचारा पौधा बच जाएगा। यहाँ पे 3 है तो क्या लिख देंगे, ऑर्डर 3 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे कोफिशियंट आ गया ना, तो ये क्या हो गया, मिक्स सेट हो गया। क्या हो गया आपका, मिक्स सेट हो गया ना, मिक्स सेट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्योर सेट्स को मिक्स सेट्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ना, कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट बाबू लिखना नहीं है, 268 नंबर। जैसे बाबू मान लो 3 है बाबू, अब 15 है, तो ये क्या है भोला, प्योर सेट्स से? है, अब इसको मिक्स सेट्स में कन्वर्ट करो, ये नहीं होगा। कैसे बाबू, शांति से समझो। ये 15 है तो 15 को फैक्टर करोगे तो 3 से कितना होगा, 5 होगा, यही होगा ना जी, 5 सर। मतलब क्या बाबू, ये 3 होगा, अंदर 3 रह जाएगा, 5 रह जाएगा। तो अब ये 3 बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पावर 3 रहता तभी ना बाहर निकलता। तो ये जो प्योर सर्ट्स है भोला, ये प्योर ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, ये जो प्योर सर्ट्स है ये क्या रह जाएगा, प्योर ही रह जाएगा। इसके आगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, नहीं ना करोगे सिंप्लीफाई, तभी ना करते जब पावर 3 आता है, तो पावर तो 3 है नहीं, तो ये प्योर सर्ट्स क्या रह जाएगा, प्योर ही रह जाएगा, मिक्स में नहीं होगा। लिखिए आप संकल्प, वीडियो ऑन करो जी। कहाँ कब करने में लगा हुआ मैं, बहुत पिटेंगे। लिखिए बाबू लिखिए, तुरभि गप नहीं करना है जी। ऐसा खाली गप करते रहती है बैठ के। क्रिकेट सर मैं चाहूँ मेरे को क्रिकेट मैच देख, जल्दी लिखिए। राजनंदी मेरी ठीक है बाबू, बैठती है, गप उप नहीं करते, उसके मम्मी पापा जी बाबू नहीं गप उप करते, अच्छी बात है। पढ़ाई के सामने सिर्फ पढ़ाई, बाकी सब बेकार। आप लोग पेरेंट्स के साथ बैठ जाते हो, गप में लगे रहते हो।
स्टूडेंट्स भी हैं। आंसर जल्दी लिखे बाबू, आप लोग बाबू होमवर्क बना के नहीं भेजते, बहुत बैड हैबिट है जी, उठा बेटी करवा देंगे बाबू। सर, मैं भेजता हूँ, मेरे ऊपर आरोप ना लगाए। एक आध दिन बाबू क्लासे में उठा बैठी करवा देंगे, 50 बार करवा देंगे, दिन भर पूरा क्लास उठे बैठी चलेगा। सर हाँ एक्सक्यूज बोल। मी सर, हाँ तो बाबू, फिर इसमें इसी को प्योर सर लिखेंगे और इसी को मिक्स भी। नहीं प्योर प्योरे रह जाए, मिक्स कैसे होगा, बाहर निकलवे नहीं करेगा तो मिक्स कैसे होगा, इसीलिए तो कहते गप नहीं करो, बोले पढ़ाते जखनी उधर गप करते रहती हूँ। सर तो फिर ये तो क्वेश्चन ही नहीं होगा ये। हाँ ये क्वेश्चन नहीं, प्योर प्योरे रह जाएगा, ये मिक्स में नहीं जाएगा। चलिए जल्दी लिखिए, दो बेचारा चार बौना में क्वेश्चन देते हैं। बौधाई रहे। सर डीआईवाई टाइम। हाँ दे रहे हैं डी आई वाई टाइम। सर रुक जाए, 268 मार्क बिठाइएगा। नेक्स्ट बाबू, डी आई बाई 269 नंबर, सिंपलीफाई करना किसका है, उत्कर्ष उड़ीसा। यहाँ पे थ्री है, X4 है, पीछे वाला भूलते नहीं जाना, बाई है और जेड स्क्वायर है। पीछे सर इसमें भी अलजेब्रा है। शुरू में पढ़ाए बाबू होमवर्क, बाबू खाली पीछे वाला पढ़ाए उसको भूलते नहीं जाना, आप लोग पीछे वाला भूलते चलते, बहुत गलत चीज है। इसको सोल्व करो तो बोला, सर इसका आप एट स्क्रीन है, शॉट यहाँ भी। थ्री है, मल्टीप्लाई है, ये 4 है, इसका वैल्यू निकालना। सर एट का, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। एट का क्यूब रूट करोगे 2 आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। देखिए सब रेज हैंड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। ये 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, और 6 है, 4 है, इसमें आपको ग्रेटेस्ट सर्च बताना है। ठीक, 272 नंबर। ना हाँ बाबू, ये मान लो 25 है, पल है, तो आगे सर आपको टू हम पल। सेवेंटी में सर कल वाला मेथड लगाना है ना। हाँ बाबू, ये 25 है प्लस 36 है, इसका वैल्यू निकालो 25 का और सर आता 36 है का सर, वैल्यू, सो फाइव 36 का प्लस वैल्यू सिक्स निकाल के जोड़ दो। इलेवन। ये आगे बताएंगे अलजेब्रा सर्ट्स ऑफ एडिशन ऑफ सर्ट्स है ना, अभी इसको आप लोग कोशिश करो बनाने का। सर फाइव 25 का के, स्क्वायर और सिक्स का स्क्वायर, 5 + 6 अच्छा इलेवन हो ठीक है, जाएगा। नेक्स्ट है बाबू, 3 है, 4 है, फोर है, 2 है, 4 3 12 है, 6 2 12, इसमें स्मॉलेस्ट करना है, 270 में क्या करना टू 71 में सिंपलीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। है सर? हो गया सर, सिंपलीफाई कैसे होगा? क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू निकालो। ठीक नेक्स्ट बाबू, एक सौ 125 का 5 मत दो, 125 का 2 दे दो, 5 बाहर निकलेगा, इसको किस में कन्वर्ट करो, मिक्स साइड में। कन्वर्ट इनटू मिक्स सेट, बस ज्यादा नहीं।
थ्री है, टू है, और यहाँ थ्री है, ठीक है। इसको प्योर सेट्स बनाओ। प्योर सेट्स करना इतना ही है, जो जो बना के नहीं भेजोगे जी उठा बैठी करवा देंगे। बहुत सारा बच्चा का आज तो होमवर्क नहीं आया है, बाय सर, बहुत बहुत सारा का नहीं आया है। ठीक बाय बाय है सर, गुड बाबू, नाइट सर, बाय सर, टू हंड्रेड बाय सेवेंटी सर, गुड नाइट नंबर सर। में तो सॉल्व सर करना प्लीज चाहिए, दीजिए ना सेम ही आ गया। सर। क्या सेम आ गया? स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू निकाली है, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू निकाली है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्क्वायर सर रूट टू नहीं है, हंड्रेड क्यूब रूट है। सेवेंटी फाइव प्योर सेट्स, उसको कन्वर्ट, इम्प्योर मिक्स है ना जो, उसको प्योर में कन्वर्ट करना है। क्या बोल रही इस तरह? सर, इसमें 6 की रूट 64 आ गई, और मेथड से कर दूं। अरे इसको सिंपली बोली, इसका वैल्यू निकालो। 6 की रूट कहाँ जा रही है जी? क्यूब रूट 8 है ना जी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे ना, 2 के पावर 3। यस, नहीं होमवर्क भेजा मैं अंक बाबू तो बहुत पीटेंगे जी। भेज सर होमवर्क भेज दिया है दिया बाबू। हाँ जी। बाबू, तो हमको